अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं, आप सभी जानते हैं, और निरंतर इस पॉइंट से आपको रूबरू कराया जा रहा है। आपको बताया गया कि हवा पानी तीनों प्रदूषित है, ये सिर्फ बताया ही नहीं गया, आप महसूस भी करते हैं कि हवा भोजन पानी आज के दिनों में प्रदूषित है, और अगर इन प्रदूषण की हालातों को एहसास करेंगे हम, तो हमें यह पता चलेगा कि 5% लोग ही पूरे विश्व में, पूरे भारत में आपको 100% फिट एंड फाइन मिलेंगे, हेल्दी मिलेंगे। 15% लोग ऐसे हैं जो क्रॉनिक इलनेस में हैं, किंतु परंतु वाले चैलेंजेस उनके साथ में हो रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस उनके साथ में हो रहे हैं, कैंसर जैसी समस्याएं, आपने देखा होगा हार्ट ब्लॉक हो जा रहा है, आर्टरीज ब्लॉकेज की संभावनाएं हो जा रही हैं, बहुत लोगों का घुटना काम नहीं कर रहा, मल्टीपल प्रॉब्लम चल रही है, बहुत लोग लाइलाज बीमारी के शिकार बने हुए हैं इस 15% की श्रेणी में। और 80% की अगर मैं बात करूं तो 80% ये वो आंकड़ा है जहां पर लोग ना स्वस्थ हैं ना बीमार हैं। डायबिटीज लोग कहते हैं ये तो अब ट्रेंड हो गया है, ये तो बीमारियां है ही नहीं भाई, ये तो फैशन है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इट मीन्स यू आर फ्रॉम रॉयल फैमिली। भाई मुझे शुगर फ्री नहीं चाहिए, अंदाज अपने अपने होते हैं, लोगों को बताने के तरीके अपने अपने होते हैं। तो 80% लोग ना ठीक ही है ना बीमार ही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस है उनको, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को बेसिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, किसी को दमा की प्रॉब्लम है, कहते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। 80% लोग स्वस्थ भी अगर अर्ली मॉर्निंग लाइफस्टाइल को थोड़ा सही करते हैं तो अपनी लाइफ को मेंटेन भी कर पाते हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। आप देखिए 5% के रेंज में सभी आना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अल्टरनेटिव वे भी अगर आप फाइंड करना चाहेंगे, वी डोंट हैव ऑप्शन। एक्सरसाइज बिल्कुल सही आप कर सकते हैं, दबा के एक्सरसाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं तो उसके साथ में डाइट भी प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। डाइट और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन रखते हैं तो यकीनन आप स्वस्थ हो सकते हैं, स्वस्थ की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, आपका नाम उसमें शुमार होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो चैलेंजेस है, क्योंकि सुबह आपको जॉब पे जाना है या घर में ही खाना खाते हैं तो केमिकल युक्त खाते हैं जाने अनजाने, केमिकल मुक्त भोजन उपलब्ध है ही नहीं। जब केमिकल मुक्त भोजन उपलब्ध नहीं है तो चैलेंजेस आएंगे, आप उसको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अब वहां पे आपके पास एक सशक्त माध्यम है रेनेटस नोवा, फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम एंड लीफ के कॉम्पोजिशन की बदौलत एक डब्बे में पिरो कर डाल दिया गया है रिसर्च। एक डब्बे में उन संरचनाओं को समाहित किया गया है जिन संरचनाओं की नीड है, ह्यूमन बॉडी को नीड है। कहते हैं कि विटामिन मिनरल एंजाइम फाइबर की डिफिशिएंसी से गंभीर बीमारियां होती है। जिन पोषक तत्वों की शरीर को आवश्यकता है वो केमिकल युक्त भोजन कभी भी प्रदान नहीं कर सकते। केमिकल युक्त नहीं, केमिकल मुक्त भोजन की आवश्यकता है शरीर को, और शरीर को यह प्रदान करना अब की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तात्कालिक नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि केमिकल युक्त भोजन आपको लेना ही पड़ रहा है जाने या अनजाने। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इलस्ट्रेटिव में व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली इन द मार्केट, बट यू आर नोइंग ईच एंड एवरी टर्म एंड टर्मोलॉजी ऑफ द मार्केट। आप खुद जानकार हैं, आप खुद अवेयर हैं सारे बुनियादी फैक्ट्स से। आप देख सकते हैं पहला इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन, और मैंगोस्टीन की संरचना के बारे में आप बहुत भली भांति जानते हैं, आप मैंगोस्टीन की क्वालिटीज को फील करते हैं कि मैंगोस्टीन में विटामिन B9 पाया जाता है, और विटामिन B9 के साथ इसके अंदर ज़ैनोथॉन्स मौजूद है, और ज़ैनोथॉन्स की क्वालिटी क्या होती है मैंने आपको लगातार
निरंतर रूबरू कराया। लेकिन मैं विटामिन B9 की संरचना पर जरा प्रकाश डालना चाहूंगा। जब विटामिन B9 की संरचना GLA यानी गामा लियोलेनिक के साथ कनेक्ट होती है और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ कनेक्ट होती है, तो खुद में ये अद्वितीय अकल्पनीय कॉम्पोजिशन हो जाता है। यानी कि कितना भी पुराना स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस हो, चुनौतियां हो, उसको ये नष्ट नाबूद कर सकता है। उदाहरण स्वरूप सफेद दाग बहुत बड़ा चुनौती है, ये क्यूरेबल नहीं है, लेकिन ज़ेनोथन्स की मदद से, ये GLA की कॉम्पोजिशन की मदद से, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस की संरचनाओं की नीतियों के वजह से उसको ये क्योर कर सकता है। मैं नहीं कहता कि ये ही क्योर कर सकता है, गूगल भी कहता है कि ये क्योर कर सकता है, क्योंकि इसे रेनेटस ने बनाया नहीं है। मैंगोस्टीन फलों की रानी के तौर पे जाना जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में ये पाया जाता है। इसको इंसान ने परखा है, पहचाना है, बनाया है उस प्रकृति ने, और प्रकृति के अंदर जो ताकत है आज भी दुनिया रिसर्च कर रही है कि प्रकृति में ना जाने और क्या क्या खूबियां हैं, क्या 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 क्वालिटीज हैं। तो परखा गया है मैंगोस्टीन को, तो ये सफेद दाग किसी भी प्रकार के दाद खाद खुजली को ठीक कर सकता है, सोरेसिस को भी ठीक कर सकता है। विटामिन ई की प्रमुख संरचना इसके साथ में कनेक्ट होने की वजह से स्किन में ग्लो भी ला सकता है। किसी भी प्रकार के कैंसर में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। कैंसर में आपको शरीर के अंदर बीमारी को स्प्रेड होने से बचाता है, फैलने से बचाता है, चुनौतियां कम होती हैं, समस्याएं कम होती हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ ये स्ट्रॉन्गली किसी को रेकमेंड कर सकते हैं कि अगर खून की कमी हो रही है शरीर में, हेमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, उन परिस्थितियों में भी ये बहुत ही ज्यादा लाभ प्रदान कर सकता है, आपके शरीर में स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। तो यह अद्वितीय है, अकल्पनीय है। मैं मैंगोस्टीन की बात कर रहा हूं। और आखिर में एक लाइन और कहना चाहूंगा इसके साथ ही साथ, ये प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है, ये इंग्रेडिएंट दवाइयां नहीं है, ये प्रकृति का वो कॉम्पोजिशन है जो प्रकृति के अंदर इन संरचनाओं के प्रति कहा गया है कि अगर आप बीमार नहीं है, जिन रोगों का मैंने नाम लिया आपके समक्ष, अगर उन समस्याओं से आप ग्रसित नहीं है, तो आप कभी भी उन समस्याओं से ग्रसित नहीं होंगे अगर आप इनका निरंतर प्रयोग करते हैं। और अगर आप उन समस्याओं से ग्रसित हो चुके हैं, तो उन समस्याओं से आपको बाहर निकालने का कार्य करता है ये मैंगोस्टीन और इसकी सारी संरचनाएं। तो आपको ये समझना होगा, आपको ये एहसास करना होगा, और आपको इन इंग्रेडिएंट से मुहब्बत करना होगा। माका रूट एक ऐसी संरचना जिसने लोगों को ना उम्मीदी से एक उम्मीद की किरण दिखाई है। माका रूट एक ऐसी संरचना जिस संरचना ने लोगों को गुमराह होने से बचाया है। माका रूट एक ऐसी संरचना जिसने ना जाने कितनी माओं की कोख भरी है। माका रूट एक ऐसी संरचना जिसने ना जाने कितने बिगड़ते हुए घर के हालात को सुधारा है। माका रूट एक ऐसी संरचना ना जाने कितने परिवारों को, टूटते हुए परिवारों को इसने जोड़ा है। माका रूट एक ऐसी संरचना ना जाने कितनी बच्चियों की इसने शादी करवाई है। माका रूट एक ऐसी संरचना जिसने हताश निराश लोगों को अपनी संरचना के बदौलत नई जिंदगी प्रदान की है। माका रूट एक ऐसी संरचना जिसने ना जाने कितने डिप्रेशन में डूबे हुए लोगों को नई दिशा प्रदान की है। माका रूट एक ऐसी संरचना जिसने एहसास कराया है कि अगर आपने मेरा उपभोग किया, आपने अगर मेरा उपयोग किया, तो मैं आपको कभी डिप्रेशन में नहीं आने दूंगा। ये माका रूट है साहब, और इस माका रूट की संरचना को इख्तियार किया है, पहचाना है, और आपके और हमारे समक्ष पहुंचाया है रेनेटस वेलनेस ने। आपको मैं एहसास करा दूं कि आज इम्पोर्टेंसी की कंडीशन जो बढ़ रही है, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन जिसको शीघ्र पतन कहते हैं, नाइट इमिशन की समस्या जो बढ़ रही है, स्वप्न दोष की समस्या, इससे युवा और बहुत सारे लोग प्रभावित हैं।
और प्रभावित होने का फलस्वरूप रिजल्ट ये मिल रहा है कि लोग मेडिकल इक्विपमेंट का सहारा ले रहे हैं, मेडिकल ऐसे मेडिकेटेड ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं, ऐसे ऐसी दवाइयों का सहारा ले रहे हैं जो उनकी जिंदगी को लगभग नरक बनाता हुआ जा रहा है, उन्हें एहसास नहीं होता। हैरानी की बात तो यह है कि आज बहुत सारे युवा, पता है कि तंबाकू का सेवन करना हमें कैंसर की आगोश में ले सकता है, कैंसर हमें अपने आगोश में ले सकता है, वो तो पैकेट पे भी लिखा होता है, शराब पीना हमारे जिंदगी को खत्म कर सकता है, बॉटल पे भी लिखा रहता है, लेकिन फिर भी लोग उसका प्रयोग करते हैं। और जिस दवाइयों का प्रयोग करते हैं लोग, मैं उनका खुल के नाम लेना चाहूंगा, जिस प्रकार वाइग्रा है, जिस प्रकार मैनकाइंड का प्रयोग करते हैं लोग, वो दवाइयां प्रोस्टेट कैंसर की सबसे बड़ी रीजन है। जो एमजी उसके होते हैं, जैसे 50 एमजी हो गया या 100 एमजी का जो प्रयोग करते हैं, जिन्होंने जीवन में 50 टाइम भी उसका यूज कर रखा है, साइंटिफिक प्रूफ है कि उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कैंसर होने से नहीं रोक सकते, 100% उसका कैंसर होना तय है, अगर आप इसके बारे में लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, जागरूक नहीं करेंगे। मैं अभी समस्या बता रहा हूं, साथ में समाधान भी इसके साथ, मक्का रूट की मैंने बात की है ना, मक्का रूट क्यों जिंदगी जीने की वजह है, मक्का रूट क्यों नए जिंदगी को एक राह दिखा सकता है, मैं आपको एहसास करा रहा हूं। साथ ही साथ मैं गर्व के साथ आपको ये बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों की मनस्थिति अलग जा रही होगी डायरेक्शन में, लेकिन आपको ये फील करा रहा हूं, अगर आपने 100 mg का कोई भी उत्तेजना बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स का अगर आपने इस्तेमाल कर रखा है, जो मेडिकल साइंस में उपलब्ध है, जो मेडिकल शॉप्स में मिलती हैं, आपका प्रोस्टेट कैंसर इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो बचा दे। अब आपके जहन में सवाल होगा कि सर मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, आप तो खुद एग्री नहीं करेंगे कि मैंने प्रयोग किया है, क्योंकि आप तो बड़े समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, लेकिन आप ये जरूर कहेंगे कि सर मैं वैसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने 50 बार 60 बार यूज किया है, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन उम्र ढलान पर होगी और जिस दिन एक कॉम्पोजिशन बॉडी में बनना बंद हो जाएगा, उस कॉम्पोजिशन का नाम है NO, लिख सकते हैं आप लोग जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उस कॉम्पोजिशन का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लियरली लिख लीजिए NO, 40 वर्ष के बाद बॉडी में बनना बंद हो जाता है, उम्र उस वक्त के बाद ढलान पर आपकी होती है। क्या होती है? उम्र ढलान पर होती है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर हो रहा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होता है, और 40 से 45 की उम्र में वो अटैक करेगा, 50 तक गारंटेड करेगा, लेकिन करेगा कोई नहीं बचा सकता प्रोस्टेट कैंसर से, क्योंकि जो उसके अंदर मेडिकल जो कॉम्पोजिशंस पाए जाते हैं, क्रिसिया और डिक्लेशंस करके कुछ कॉम्पोजिशंस हैं, जो फ्लश आउट नहीं होता है, बॉडी में ही स्थिर हो जाता है जाकर, अगर वो फ्लश आउट हो जाता तो वो बीमारियां कभी भी नहीं होती, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो बीमारियां कभी भी नहीं होती, लेकिन जो उसके अवशेष हैं वो आपके बॉडी में परमानेंटली डिपॉजिट रह जाते हैं, पता नहीं इसका क्या रीजन, लेकिन वो निकल नहीं पाते और धीरे 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 वो कैंसर का रूप होता है। बहुत सारे लोगों को पता है ना, यूरिन का रास्ता और स्पर्म का रास्ता एक होता है, मैं क्लियरली एक गुरु के तौर पर आपको सिखा रहा हूं, एक भाई के तौर पर सिखा रहा हूं, आपको जानना जरूरी है, और उसी रास्ते में आपके लिए बड़े चैलेंजेस उत्पन्न हो सकते हैं। तो जितने लोगों ने अगर इसका प्रयोग कर रखा है तो उसको मिनिमम सिक्स बॉटल रेगुलरली 5 लीटर पानी के साथ उनको देना पड़ेगा, और उनको शराब का सेवन, गुटखा का सेवन बंद करना पड़ेगा इमीडिएटली, अगर उनको आने वाले भविष्य को बचाना है। और अगर इसका सेवन करना पड़ रहा है आपको, और अगर आप इसका 6 बॉटल प्रयोग कर लेंगे, तो आप फिर से पुरानी अवस्था में वापस आ सकते हैं, आप नई जीवन पा सकते हैं। एकमात्र इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट है, रेनेटस वेलनेस के 2 इंग्रेडिएंट्स में इतनी पावर है, मक्का रूट के विटामिन B6 जब कनेक्ट होते हैं सियानिडीन के साथ, ध्यान समझना है क्यों ये मैं कह रहा हूं कि ये नेचुरली आपको परमानेंटली ठीक कर सकता है, जीवन में कभी चैलेंजेस नहीं आएंगे, आप ना जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, सिर्फ इंग्रेडिएंट को समझना है, आपको जानकारी देनी पड़ेगी। क्या होगा, कोई 1 से 2 लोग मुस्कुरा देंगे आपके ऊपर, मेरी बातों को भी सुन के बहुत सारे लोगों को अलग अलग बातें जहन में आ रही होंगी, पाठक क्या बोल रहा है आपको, व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन अगर मेरी बातों से एक इंसान की भी जिंदगी बनती है ना, एक इंसान की भी जिंदगी बचती है ना, तो ये ऋषिकेश पाठक आज के दिन को हमेशा याद रखेगा और गर्वान्वित महसूस करेगा कि
कि मैंने एक भी जिंदगी को बचा दिया। आज मैं नहीं बात करूंगा, आप नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा इन विषयों पर? कौन बात करेगा? आपके माता पिता बात नहीं कर रहे हैं, आपके भाई बहन बात नहीं कर रहे, कौन बात करेगा? मैंने कहा ना कि जीवन में बहुत सर्वोच्च शिक्षा बहुत बड़ी बात नहीं है, अनुशासन से इंसान महान बनता है, और अनुशासन हीनता जहां पर आ जाती है वहां पर गेम खत्म है, और अनुशासित होकर जीवन में कुछ भी किया जाए ना तो इंसान महान से भी महानतम स्तर तक पहुंच सकता है। मैं आपको यह एहसास करा रहा हूं। तो माका रूट के अंदर विटामिन B6 की संरचना है, और B6 जब ज़ेनोथॉन से मदद लेता है, और सॉर चेरी के अंदर मौजूद है स्कैनडीन जब उसकी कॉम्पोजिशन से मदद देता है। लोग तो कहेंगे कि सर माका रूट तो मैं और कहीं से भी यूज कर लूंगा। अरे भाई स्कैनडीन के कॉम्पोजिशन को कहां से लाओगे? क्लोरोजेनिक एसिड कहां से लाओगे? नेचुरल फॉर्म में ये कहीं भी और कहीं मिल सकता है, तो रेनेटस वेलनेस के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। ये सारी संरचना एक ही डब्बे में और कहीं नहीं मिलेगा। जितनी ह्यूमन बॉडी की नीड है, नीड को आइडेंटिफाई करते हुए आपकी बॉडी में प्रदान करता है। पुरानी जिंदगी लौट आएगी, जवानी में की गई गुस्ताखियां आपको बुढ़ापे में तबाह नहीं करेंगी, आपको नई जिंदगी प्रदान कर जाएंगी। ये जिंदगी नाम है माका रूट। साइबेरियन जिनसेंग के अंदर विटामिन B12 होता है और विटामिन डी की सेलेक्टेड संरचनाएं होती है। मैं आपको और थोड़ा आज डिटेल में बताऊंगा साइबेरियन जिनसेंग के बारे में, आज तक मैंने नहीं बताया था। फॉलिक एसिड जानते हैं ना, फॉलिक एसिड मां के दूध में पाया जाता है, और मां के दूध में जो पाया जाता है वो अद्वितीय है, वो अकल्पनीय है। कहते हैं ना कि बच्चों का सर्वोत्तम भोजन मां का दूध ही होता है। बच्चों को आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग का कुछ भी देने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि उसके अंदर फॉलिक एसिड होता है। लेकिन जब विटामिन B12 की संरचना के साथ में विटामिन B12 की संरचना के साथ में जब कंबाइंडिंग वे बीटा कैरोटीन भी कनेक्ट होता है फॉलिक एसिड के साथ में, जब विटामिन B12 के साथ में ज़ेनोथेंस भी कनेक्ट होता है, तो पता है ये क्या रुख इख्तियार करता है? ये कंप्लीट हार्ट के ब्लॉकेज को क्लीन कर सकता है। नहीं समझा आपने, मैं फिर बताता हूं। जब विटामिन B12 की संरचना, जब ज़ेनोथेंस की संरचना मैंगोस्टीन से जब इसने ज़ेनोथेंस कनेक्ट कर लिया, सिगरू के कॉम्पोजिशन से इसने बीटा कैरोटीन एंड फॉलिक एसिड प्राप्त कर लिया, और इसने ब्लैक करंट से ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 कलेक्ट कर लिया, तो ये इमीडिएटली किसी भी प्रकार के हृदय समस्या, हृदय रिलेटेड चैलेंजेस को इमीडिएटली सॉर्ट आउट करने की कंडीशन में पहुंचा देता है। ये आपको नई जिंदगी प्रदान कर सकता है। यहाँ पे कभी भी आपको चैलेंजेस नहीं आने वाले, कभी भी आपको सोचना नहीं है, कभी भी आपको रोना नहीं है, पछताना नहीं है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, हुआ तो हुआ क्या। आपके हृदय का 100% प्रोटेक्शन दे सकता है। दूसरी संरचना इसकी बताता हूं। जब इसका विटामिन B12 और विटामिन डी की सेलेक्टेड संरचनाएं कनेक्ट करती हैं रास्पबेरी के साथ, पूरे रास्पबेरी की कॉम्पोजिशन के साथ, तो रास्पबेरी जब ये काम करता है तो आपके लोअर पार्ट पे, कहने का तात्पर्य है कि जहां से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक स्टार्ट होता है, बैकबोन कहाँ है आपकी? आपके अगर रीढ़ की हड्डी की बात करें तो रीढ़ की हड्डी से जो आपका स्टार्ट होता है पार्ट, वहां से नीचे की सारी सेल को, मसल्स को ये पूरी तरीके से कनेक्ट कर लेता है, और उसमें कैसी भी समस्या हो उसको ये क्योर कर सकता है। अमूमन क्या समस्याएं देखने को मिली है? अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, टक टक की आवाज आने लगती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन होता है, वहां पे ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है। और जब रास्पबेरी की संरचना थोड़ी कंडीशंस को देखते हुए स्कैनडीन के साथ टकराती, स्कैनडीन किसमें पाया जाता है? सौर चेरी में पाया जाता है। तो जब ये एक दूसरे के साथ परस्पर संपर्क में आती है, स्कैनडीन, विटामिन B12, विटामिन डी एंड रास्पबेरी, तो ये आपके सीपी सेबरल पाल्सी उसको बोलते हैं। बच्चों में आपने देखा होगा प्रारंभिक अपंगता होती है, बच्चे
प्रारंभिक दौर से ही मूवमेंट नहीं कर पाते, उसका इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस में उसका इलाज नहीं है। मैं आज आपको थोड़ा आपके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ, ये दवाइयां नहीं है, मैं कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक प्रूफ है। आप गूगल पर रिसर्च करिए, जो मैं संरचना बता रहा हूँ उसको ढूंढिए कि मैंने क्या बताया, ज़ेनोथॉन्स बताया, मैंने क्या बताया आपको, B12 बताया मैंने आपको, बताया विटामिन डी। जब ये कनेक्ट करता है, किसके साथ कनेक्ट करता है, किन संरचनाओं के बदौलत कनेक्ट करता है, मैंने आपको B12 की भी संरचनाओं से रूबरू कराया, मैंने आपको बीटा कैरोटीन, कैरोटीन के बारे में बताया, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के बारे में शॉर्ट में समझाया। तो जब ये एक दूसरे के साथ प्रॉपर वे में कनेक्ट करती हैं, तो ये काम बड़ा अच्छा करता है, सेरेब्रल पाल्सी के कंडीशन में भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है विदाउट एनी डिले। आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, बट मिनिमम 6 मंथ पे आपको रिजल्ट फील होगा। जनरली ये बच्चों में पाया जाता है और हाफ टैबलेट के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं, हाफ टैब पाउडर के फॉर्म में आप इसको दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं, फिर भी हम ये स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकते हैं इनकी संरचनाओं को स्टडी करने के ऊपर आना। एल्डरबेरी दा, शरीर में कितना भी पुराना एलर्जी हो, सर्दी खांसी बुखार हो, किसी भी प्रकार के एलर्जी को ठीक करने की काबिलियत रखता है। रॉसबेरी डेंगू के कंडीशन में, जब आपका प्लेटलेट्स डाउन हो रहा होता है उस कंडीशन में ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने का कार्य करता है, कैंसर की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है। यादाश्त, जैसे आप भूल जाने की समस्या बहुत लोग की होती है, भूल जाने की कंडीशन में भी ये बहुत ही ज्यादा काम करता है, बहुत ही बेहतर कार्य कर रहा होता है। उसके बाद मैं बात करूं ब्लैक करंट की, तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 इसके अंदर मौजूद होते हैं। साथ ही साथ पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस और गामा लियोलेन, जिसको हम शॉर्ट में GLA कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करो तो ये डायबिटीज टाइप 2 के लिए ब्रह्मास्त्र है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, और पैरालिसिस की कंडीशन में भी बहुत अच्छा सहायक की भूमिका अदा करता है। और मैं फिर आखिर में कहूंगा कि जब ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, GLA पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस की संरचना इसके साथ मौजूद है, तो आप कभी भी इसे दवाइयों के तौर पर ना एहसास करें। और जब ये दवाइयां नहीं है तो इसके साइड इफेक्ट्स हो ही नहीं सकते ना। साइड इफेक्ट्स किसके होते हैं? दवाइयों के होते हैं। लोग कहते हैं कि माय प्रोडक्ट इज 100% नेचुरल। जब कोई कहता है कि माय प्रोडक्ट इज 100% नेचुरल, यू कैन आस्क वन क्वेश्चन, आर यू एबल टू कंज्यूम दिस टैबलेट मिनिमम 5? अगर क्वांटिटी की बात करूं तो मिनिमम 5 आर यू एबल टू कंज्यूम एट अ टाइम। इफ यू आर एबल टू कंज्यूम विद इन द टाइम फ्रेम 5 टैब, मैं बता रहा हूं, अगर उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग होगी तो उनका पूरा सिस्टम बिगाड़ सकता है, उनको 2-3 महीने होश नहीं आएगा, ऐसी बीमारी हो सकती है। साइड इफेक्ट, और हमने एक शख्सियत को, रेनोवियंस को, एक रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर को एट अ टाइम 23 टेबलेट खाते हुए देखा था, चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए। ये मैं आपको करने की सलाह नहीं दे रहा, कभी भी आप ये ना करें, लेकिन मैं आपको एहसास करा रहा हूं कि इसकी सत्यता, इसकी वास्तविक स्वरूप की 100% नेचुरल प्रोडक्ट का ताकत है कि आप अगर इसकी अत्यधिक सेवन भी इसका कर लें तो साइड इफेक्ट शरीर में कुछ नहीं हो सकता आपका, 100% नेचुरल। दूध का सेवन अगर आप 2 ग्लास ज्यादा पी ले तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको 1-2 दफे बाथरूम का चक्कर लगाना पड़ सकता है मैक्सिमम, ज्यादा आपने दूध पी लिया तो। लेकिन साइड इफेक्ट क्या हो, कुछ नहीं होगा, समझ रहे मेरी बात को। लोग कहते हैं कि विदाउट मेडिसिन हम कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ केयर करता है, और जितनी चीजें केयर करने वाली होती हैं, ध्यान से समझिएगा, आज आप ये पॉइंट लिखने वाली है, जितने चीजें मार्केट में केयर करने वाली है उसके साइड इफेक्ट्स बड़े होते हैं, और जितने चीजें क्योर करने वाली है उसके साइड इफेक्ट जीरो। केयर के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल, पैरासिटामोल की 4-5 गोलियां आपने एट अ टाइम खा ली, आपको भी पता है क्या होगा। सरदर्द की 2-4 गोलियां खा लीजिए, दर्द की 2-4 गोलियां खा लीजिए एट अ टाइम, आपको भी पता है क्या साइड इफेक्ट कर सकता है, पता है ना। लेकिन जो चीजें क्योर करती है ना, उसका अगर गलती से आपने 5 के बदले 10 भी प्रयोग कर लिया ना, तो देयर इज नो एनी साइड इफेक्ट। मैं आपको ये एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ब्लैक करंट दवाइयां, अगर मैं कोई संरचनाओं की बात करूं तो दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं। सौर चेरी के अंदर सियानिडीन पाया जाता है और क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है।
अगर मैं GLA की संरचना की बात करूं और सियानिडिन की बात करूं तो ये नेचुरल रेगुलेटर है। लोग पूछते हैं कि सर एक ही प्रोडक्ट सर के बाल से पैर के नाखून तक कैसे काम करता है, तो ये आपकी बॉडी में हो रही गतिविधियों को आइडेंटिफाई कर देता है। रडार की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, आपने सुना होगा ना कि हम इस देश के रडार पर आ गए हैं, उस देश के रडार पे हम अपने मिसाइल्स नहीं छोड़ सकते, या उसकी सीमा हमें लगातार अलग निगाहों से देख रही होती है, कनेक्ट कर लेता, क्या होता है वो, समझ रहे हैं ना। हर देश का एक सुरक्षा कवच बना हुआ है कि आप आसमानी फायर भी नहीं कर सकते, हर चीजें ट्रैक होती हैं, आपके अटैक करने से पहले वो भांप लेगा और उसको खत्म कर देगा। उसी तरीके से सियानिडिन, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है, एक घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि सियानिडिन एंड गामा लियोलेनिक एक ऐसी संरचना है आपकी बॉडी में, नेचुरल रेगुलेटर है जो शरीर में किसी भी प्रकार की गतिविधियों को परख कर उसको मार देता है आपकी इम्यूनिटी के सहारे। यानी कि आपके अंदर जो योद्धा है ये उसको डायरेक्शन देता है। आपके अंदर का योद्धा हो सकता है कि अंधा हो गया हो हवा भोजन पानी के प्रदूषित होने के कारण, लेकिन उस प्रदूषित भोजन के सेवन के उपरांत भी आपके अंधे योद्धा को भी इसने आंख प्रदान कर दिया सियानिडिन और क्लोरोजन एसिड के माध्यम से, मीडियम से सियानिडिन के माध्यम से। तो ये नेचुरल रेगुलेटर का काम करता है सॉफ्टवेयर, ये कितना भी पुराना गांठ को ठीक कर सकता है, इसकी ताकत है। और जिनको नींद ना आने की समस्या है उनको बहुत अच्छी नींद आ सकती है इसके सहारे, ये नेचुरल रेगुलेटर है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आपने ये समझ लिया होगा। अब मैं आगे बात करता हूं गैनोडर्मालिसिन, कैंसर, साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस, यूरिनरी ट्रैक के हो रहे किसी प्रकार के चैलेंजेस, किडनी से रिलेटेड चैलेंजेस को ये ठीक करने का काम करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी है, फिर मुझे आपको साइटिक माइटिक मशरूम के कॉम्पोजिशंस बताने पड़ेंगे, फिर लैक्टोफेरिन के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। बट आज मुझे मक्का रूट, मैंगोस्टीन एंड साइबेरियन जिनसे क्यों हाईलाइटेड करना, क्योंकि मैंने पहले बताया 9 इंग्रेडिएंट्स में से अगर आपने 3 भी परस्पर तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया तो मार्केट में कोई भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर की इतनी हिमाकत नहीं है कि आपकी आंखों में आंखें मिलाकर कह दें कि आपसे बेस्ट है उनका प्लान। ये रिस्कीस्ट पार्ट का चैलेंज है आपसे, ना कोई था ना कोई है ना कोई होगा आपका मुकाबला करने वाला। बस अपनी ताकत को आप पहचानिए और अपनी कंपनी के इंग्रेडिएंट्स की वास्तविक तस्वीर को पहचानिए और रिप्रेजेंट करिए। सिंगरों की बात करूं, 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा, फॉलिक एसिड बीटा कैरोटीन इसके अंदर मौजूद होता है, संरचनाएं इसके अंदर सॉलिड मौजूद होती है, अद्वितीय अकल्पनीय संरचनाएं। ये डायबिटीज में भी काम करता है, फ्राइटिस में भी काम करता है, अस्थमा में भी काम करता है, ब्लड प्रेशर की समस्या में भी काम करता है, कैंसर में भी काम करता है, मल्टीपल बेनिफिट्स है। इट्स ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ 9 इंग्रेडिएंट्स। रेनेटस वेलनेस ऑलवेज सेज रीडिफाइनिंग वेलनेस। आपको अपने परिवार की जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाना है या वक्त को व्यतीत करना है, काटना है, जरूरतों की जिंदगी जीना है या चाहतों की जिंदगी जीना है, निर्णय आपका, बॉल आपके कोर्ट में है, क्या करना है फैसला। आज की ट्रेनिंग मेरी यही समाप्त होती है। आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी कमेंट के ऑप्शन में मुझे जरूर बताएं। जरूरतों की जिंदगी आप जीना चाहेंगे या चाहतों की जिंदगी जीना चाहेंगे, आप ये भी कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं। आज की ट्रेनिंग को क्या रेटिंग देंगे आप, 0 to 50, 0 to 90, 0 to 95? मैं 100 का नाम नहीं लूंगा आज, क्योंकि आप ही बताएंगे कि आज 100 out of 100 वाली ट्रेनिंग थी या 0 out of 5 वाली ट्रेनिंग थी, क्या थी, आप निर्णय करें। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया, 3 पॉइंट को हाईलाइटेड किया, और जो आज फर्स्ट टाइम आए होंगे उनकी लाइफ की सबसे धमाकेदार ट्रेनिंग रही होगी, मुझे विश्वास है।